नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। हम आपको बताएं, यहाँ पर SPOs ने रोड ब्लॉक किया है और ये तस्वीरें देखें, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। सर, जब आर्मी वालों को सजेशन मिलती थी कि इस एरिया में मिलिटेंट घुसे हैं, तो आर्मी वालों को उस टाइम चाहिए थे तो सिर्फ SPO गाइडलाइन में, क्योंकि अगर गोली लगेगी मिलिटेंट की तो SPO को लगेगी, आर्मी वाले तो पीछे होते थे। तो उस टाइम सर हमने 11 इनकाउंटर लड़े हैं, हमारे पास IG DIG का रिवॉर्ड मिला है सर। तो सर अब जब हमारा परमानेंट होने का ऑर्डर हुआ तो सर हमें डिस्चार्ज कर दिया। हम अपना इंसाफ लेकर जाएंगे। आजकल की डेट में इंसाफ कहा? मैं शर्मा कम्युनिकेशन ऑल J&K UT वाइस प्रेसिडेंट, अगर मुझे ये नहीं लिखते कि गवर्नमेंट मुलाजम है सर रिकॉर्ड पे, ये कानून बनी किसके लिए, ये दफे किसके लिए? अगर कानून का मैं उल्लंघन करूंगा, सर जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप मीडिया के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई है, मुझे कानूनी बिल के अंदर आए, जब मैं अपना हक मांग रहा हूँ। अभी तक हक क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर के सर हमारे साथ जाते, हम तो नहीं जाएंगे तब तक जब तक सेवा सिंह बाली जी सामने नहीं आएंगे। नहीं, मांगे क्या आपकी? मांगे हमारी है कि हमारा रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करो और डिसएंगेजेस फ्यूज को रीएंगेज करो, और साथ में यह है कि जो वेजेस एक्ट लागू करो, रिटायरमेंट रेस्ट फ्यूज को बेनिफिट दो, बस यही। आपकी पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, 4 साल हो गए, अभी तक हमारा मसला हल नहीं किया। हर महकमे के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने क्या यही मैसेज दे के रखा? ये कह रहे थे कि इंडिया इज डिजिटल वन, वो कहाँ दिख रहा है इंडिया इज डिजिटल वन? 3 रुपए की राशन दे रहे हैं, जहाँ 35 किलो मिल रहा था और वहाँ आज 5 किलो राशन मिल रहा है। इससे पहले जो सरकारें थी, बिजली का बल 378 रुपए आ रहा है, 2 रुपए का कनक मिल रही है। अब मुझे बताइए इंडिया इज डिजिटल वन कहाँ से हुआ? नहीं, अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? अभी तो हम तो सिर्फ खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे कि जनाब हमारी रिक्वेस्ट करें DGP साहब तक। तो ये शकुंतला थिएटर से आप चले थे? जी जी, हमने वापस जाके, हमारा कोई नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा, हम सिक्योरिटी विंग के अंदर काम किया, हम शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। रोड ब्लॉक तो नहीं कर रहे थे? नहीं करना था, क्यों कर रहे थे? ये पुलिस वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको। नहीं जनाब, ये ऊपर से आदेश है, ये बेचारे क्या करेंगे जब इनको प्रेशराइज किया जाता है। जब भी कोई मुलाजम इस रोड के अंदर आता है, उसको 2 मिनट के लिए सर इसको वापस भेजा जाता है, उसकी पावर छीनी जाती है। DC साहब जब डोडा के अंदर बैठे हुए, DC साहब तो सामने दिख रहा है, उसी वक्त सर ये हटा रहे हैं। कहाँ जाएंगे जनाब, हमारा होगा कौन? आज तो खाली डिसएंगेज SP आया है, जब उनके परिवार आएंगे यहाँ पे रोड पे। तो ये लोग ये देखे यहाँ पर, ये प्रदर्शन रोड ब्लॉक नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सारे इकट्ठे होकर निकले थे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनको शायद यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। और इस तरफ तस्वीरें देखें, महिलाएं भी हैं, और ये उपराज्यपाल साहब को मेमोरेंडम देने के लिए निकले थे। अब ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये तो नहीं, आप जा कहाँ रहे हो अभी? सर हमारे को फोर्स वाले कह रहे हैं कि वाली साहब वापस आ रहे हैं, अब इधर हाल में वापस चलो। अगर उनको वापस नहीं किया तो सर हम फिर रोड में उतर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। चल चल चल, चलते चलते बात करें आप। नहीं नहीं, बोले बोले सर, हमें मैसेज मिला कि वाली साहब आ रहे हैं, आप हाल में चलो। एक मिनट, जा रहे। अगर वाली साहब नहीं आए तो हम रोड पर वापस आ जा रहे हैं, हम फिर रोड से। कौन से वाली साहब? सर सेवा सिंह बाली जो आप चलो ये तो सेवा सिंह बाली ने ये किया है। एक मिनट, जनाब भाल करो, 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 भाल
नहीं अभी अभी कहा जा रहे हो, कहां कहां जा रहे हो? सर हम इधर यहां रुके हैं, हाल में रुक रहे हैं। हमारे सेवा सिंह बाली साहब को जो बस में उठा के ले गए, तो हमारे सीनियर साहब खड़े हैं, बोल साहब जी ने बोला है अभी 5 मिनट रुक जाओ, तो सेवा सिंह बाली साहब को छोड़ रहे हैं 5-10 मिनट में। सर नहीं छोड़ेंगे सर, तो हम पहले तो पीसफुल कर रहे थे, अभी हम सर पूरे रोड में उतर जाएंगे जितने भी हैं सर। तो बाली साहब को क्यों उन्होंने? सर बाली साहब को जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें थाने जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी जाएंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा, वो भी करेंगे हम। हमारी जान भी जाएगी इसमें, हम पीछे हटने वाले नहीं है सर, हम पुराने सिपाही रह चुके हैं, 97 से हम सिपाही रह चुके हैं सर। अगर बाली साहब नहीं पहुँचते हमारा मसला हल नहीं होगा, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, हम यहाँ से नहीं उठने वाले सर। हमारी जान भी हमारे ऐसे भी हमारे जो एसपीओ भाई कुछ मिलिटेंट के गोली का शिकार हुए हैं, अगर सेवा सिंह बाली की पीछे भी हम अगर शिकार हो जाएंगे कोई बात नहीं, हम पीछे लगाओ, बहाल करो बहाल करो। कितने एसपीओ डिसमेज किए हुए हैं सर? ये कोई सर इसकी कोई 15-10-15 हजार से ऊपर है सर। देखिए सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम सबके ऊपर आप जानते हैं कि काफी दबाव भी होते हैं, काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ से हम बड़े फकर से कहते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान और सेकुलर देश के बाशिंदे हैं, दूसरे तरफ हमारी आज़ादी को, हमारी जो आवाज़ को दबाने की कोशिश जो कि जिस तरीके से की जाती है, अगर मीडिया न हो तो हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि गरीब जनता या जो सच बोलने वाले उसकी आवाज़ को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाएगा आजकल के जो हुक्मरान हैं उनके तरफ से। अभी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमारे जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहिबान हैं, उन्होंने हमारे साथ, वो भी मजबूर हैं, उन्होंने हमें यहां से ले लिया, और हमने गुजारिश की उनसे कि जिंदगी में किसी भी पुलिस स्टेशन और किसी भी जगह पर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमारे बारे में आज तक कोई एप्लीकेशन तक भी किसी थाने में नहीं लगी है, और आज तक भी पिछले 7 सालों से हम चीख चीख कर ये आवाज कर बुलंद कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, और जो डिसंगेज एसपीओ हैं उनको बाल किया जाए, रिटायर्ड किए गए एसपीओ को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। अब जब ये लेके गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है, कि सियासत से हटके मैं ये मुद्दे को उठा के काफी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, अब हम भी मजबूर होने लगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय से लेटर इशू होता है इनके फेवर में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इनके फेवर में लिखते हैं, यहां पर जब डॉक्यूमेंट्स आता है न जाने कौन सा सांप इनको सूंघ जाता है, उस पे इनको टस से मस नहीं होता है। हमने मेमोरेंडम बनाया, एक तो मुझे अभी तुरंत इन्होंने जमानत दे दी, फौरी तौर पर उन्होंने मुझे बहाल कर दिया, आप जाइए। दूसरा, अभी हमने एसएचओ साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनको यहां पर ही बुलाया है, मैंने बोला जो भी बात होगी हमारे मेरे जो साथी हैं सपोर्टर्स हैं उनके सामने होगी। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि ये चारों मुद्दे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में आज ही जाने चाहिए।
क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया। अगर हमारे इन मुद्दों के ऊपर प्रायोरिटी पे काम नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इन सब का परिवार सड़कों पर आ जाएगा। अभी तो हमारे जो रनिंग एसपीओज हैं वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, उनके परिवार को जब हम लेके आएंगे। तो इसलिए हम आप सभी चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। अभी हमारे पास आपके सामने आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पर हम एक मेमोरेंडम देंगे, वही मेमोरेंडम मीडिया से भी शेयर करेंगे जिसमें जो हमारे डिमांड्स हैं वो एलजी साहब तक आज ही पहुंचनी चाहिए। हमने उनसे अपील भी की है, उनसे गुजारिश भी की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर ही अभी लिया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक आज की डेट में ही वो मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस आपको उठाकर क्यों लेकर गई थी? पुलिस आपको क्यों लेकर गई थी? आप रोड ब्लॉक कर रहे थे जी। मैं जा रहा था आगे ना, मैं राजभवन में ये मेमोरेंडम देने के लिए खुद जा रहे थे हम सब लोग। इन्होंने हमें ये बोला कि सर, इसमें हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई हैं उनके लिए हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए काफ़ी अरसे से हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब के कम से कम 7-8 लेटर जो हैं उनके ऑफिस से इशू हैं। होम मिनिस्टर साहब के हमारे पास लेटर मौजूद हैं, वो सारा हमने इसमें लिखा है। हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब हैं उन तक ये पहुंच जाए। बिल्कुल। और इसमें हमारे सिर्फ 3 मुद्दे हैं। एक तो रेगुलर पॉलिसी, जो हमारे एसपीओ सर्विस कर रहे हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए। दूसरा, उनकी सैलरी में इजाफा हो। तीसरा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसंगेज एसपीओ किए हैं, जिनको सर्विस के दौरान में डिसंगेज किया है, हम चाहते हैं कि उनको बहाल किया जाए। और रिटायर किए गए एसपीओ, 60 साल सर्विस करने के बाद हमारे एसपीओ भाइयों को रिटायर किया गया है, 1 रुपया भी उनको नहीं दिया गया। अगर एक शख्स, एक गरीब शख्स 60 साल की एज तक पुलिस वर्दी में 60 साल की उम्र तक सर्विस करेगा, उसको विदाउट रिटायरमेंट आप घर भेज दोगे तो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी होगी। और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके बारे में ये हमने डिटेल बनाई सर, ये हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से तक पहुंचाना चाहते हैं इनके सभी के सामने। और आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे क्योंकि ये आपके ही मुद्दे हैं, ये मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, ना कोई ये पॉलिटिशियन या कोई सियासतमैन नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत करते हैं हमारे जो एसपीओ, उनका ये मुद्दा है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से एसएचओ साहब ने, आप सभी ने हमें कॉपरेट किया, हमारे जवान भी, हमारे सपोर्टर्स भी आप सबको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब के नोटिस में आज ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका ये जो भी है जी जी थ्रू प्रॉपर चलना डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ये एलजी साहब को आपसे ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो कारण जिस वजह से ये लोग निकले थे। अच्छा, अब हो गई आपकी बात क्लियर। तो अब हम चाहते हैं, अब जैसे ये मजिस्ट्रेट के जरिए हमारा मेमोरेंडम चला गया, हम भी यही चाहते थे, हम भी यही मेमोरेंडम जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो कुछ लीडरों की कठपुतली बन के जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, उनकी नोटिस में हम ये बात पहुंचाना चाहते थे कि अब उससे हटके आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, जो लोग सड़कों पर हैं, जिन लोगों ने देश के नाम पर शहादतें तक दी है, अपने परिवार तक खोए हैं। तो आज हमने ये जो प्रोटेस्ट था, और आपके माध्यम से भी हम एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे, जल्द अज जल्द इन सभी मुद्दों के ऊपर प्रायोरिटी पे संज्ञान लिया जाए।
अगर ऐसा नहीं होता है फिर आने वाला वक्त जो होगा तो उसकी इन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं। आज तक हमने किसी किस्म का वायलेशन नहीं किया, और ये जो हमारे सपोर्टर्स हैं ये हर स्थिति का मुकाबला करने वाले हैं। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा जो है जेन्युइन है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पर इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसको तुरंत हल किया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। लगता आपको होगा, आज मेमोरेंडम दिया, पहले भी दिए होंगे आपने, लगता आपको हो जाएगा सलूशन? मैं एक इस किस्म का शख्स हूँ, नामुमकिन और अगर ये लफ्ज जो है मैंने पढ़े ही नहीं है और मेरी डिक्शनरी में ये लफ्ज है ही नहीं। मैं उस हिंदुस्तान का शहरी हूँ, एक कंप्यूटर की दुकान पे, एक मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान पे काम करने वाला एक नॉर्मल सा साधारण सा व्यक्ति सिटिंग सीएम को हरा सकता है, तो ये लोग जो हैं ये इनका राइट है। जो जनता है जनता की बात को सुनना पड़ता है। अगर कोई अंग्रेजों का दौर भी आ गया था उसको भी इन लोगों ने, हमारे हिंदुस्तानियों ने हटाया था। अगर ये दौर, ये लोग अगर इन हमारी बातों को नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में इनको इसका नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे मसले हल हो जाने चाहिए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, जो इश्यूज है उनका सलूशन होगा। रोड ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उपराज्यपाल को मेमोरेंडम देने के लिए निकले थे और उसमें सेवा सिंह बाली को पुलिस ने उठाया था, उसके बाद वापस भेज दिया और उन्होंने कहा हम बैठ के बात करते हैं, अभी आए थे और मेमोरेंडम उनको दिया गया और आश्वासन दिया गया है कि उपराज्यपाल साहब तक पहुंचेगा। अब इनकी जो इश्यूज हैं, ये मांगे काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि सुनना चाहिए, अगर जेन्युइन है तो उसका सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। बाकी आप राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लखोत्रा को दें इजाजत, नमस्कार।